प्रभारी विनोद तावड़े का चंडीगढ़ का दौरा है और आपको बता दें कि चंडीगढ़ में विधायक और मंत्रियों के साथ वे बैठक करेंगे। प्रभारी बनने के बाद पहली बार चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं। 27 को कुरुक्षेत्र में, 28 को हिसार जाएंगे विनोद तावड़े, 29 को कार्यकर्ताओं से सीधे रूबरू होंगे। तो कल दिल्ली में उन्होंने चर्चा की थी, चंडीगढ़ में आज तावड़े की पाठशाला है। प्रभारी बनाए जाने के बाद पहली बार वे चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं, ऐसे में उनके स्वागत सत्कार की तैयारी भी की गई है। चंडीगढ़ में विधायक और मंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं। प्रभारी बनने के बाद पहली बार आज चंडीगढ़ पहुंचेंगे तावड़े। तो कल उन्होंने दिल्ली में भी चर्चा की थी, लगातार बैठकों का सिलसिला देखने को मिल रहा है उनकी। आज चंडीगढ़ में मुखातिब होंगे पार्टी के पदाधिकारियों से, कार्यकर्ताओं से। चंडीगढ़ में विधायक और मंत्रियों के साथ आज बैठक करने जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विपिन परमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेंगे। विपिन, क्या कुछ जानकारी है तावड़े के आज के दौरे को लेकर के? देखिए, महत्वपूर्ण नई जिम्मेदारी के साथ विनोद तावड़े आज जो है वो कल से ही बैठकों का दौर जो है उनके द्वारा शुरू किया गया था। कल दिल्ली में जहां केंद्रीय नेताओं के साथ अगर बात करें जो कि रिप्रेजेंटेशन करते हैं हरियाणा का, उनसे वहां पर बातचीत की गई थी। वहीं पार्लियामेंटेरियंस यानी कि सांसदों के साथ भी जो है विनोद तावड़े के द्वारा बातचीत जो है दिल्ली में की गई थी। ऐसे में अब जो है वो राजधानी का रुख विनोद तावड़े जो है जिन्हें नई प्रभारी की जिम्मेदारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से दी गई है, ऐसे में उनके द्वारा अब चंडीगढ़ का यानी कि राजधानी का रुख जो है वो किया गया है। और ऐसे में तमाम जो मंत्री हैं सरकार के उनसे मंत्रणा जो है वो करते नजर आएंगे विनोद तावड़े। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की आगे की रणनीति क्या रहेगी, किस रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी, तमाम वो चीजें हैं जिनको लेकर जनता के बीच में जाना है, क्योंकि बड़ौदा उपचुनाव के नतीजे भाजपा के पक्ष में नहीं है। और ऐसी परिस्थितियों में विनोद तावड़े को नई जिम्मेदारी दी गई है, उन्हें प्रदेश का प्रभार दिया गया है। ऐसे में अब भाजपा जो है वो अगर बात करें नए संगठनात्मक बदलावों के साथ, क्योंकि पहले प्रदेशाध्यक्ष बदले गए, ओम प्रकाश धनखड़ को यह जिम्मेदारी दी गई, और अब प्रभारी जिस तरह से तब्दील हुए हैं विनोद तावड़े का रोड मैप क्या रहेगा, वो नेताओं से क्या एक्सपेक्टेशंस करते हैं, और जनता और भाजपा के बीच का जो समन्वय जो 2014 में जिस तरह के नतीजे देखने को मिले थे उनको किस तरह से रिपीट किया जा सकता है, उनको किस तरह से जो है दोहराया जा सकता है, और साथ ही साथ सरकार की ओर से जो काम किए जा रहे हैं उनको किस तरह से जनता के बीच में रखकर जो है संगठन को मजबूत किया जा सकता है, संगठनात्मक ढांचे को मजबूत किया जा सकता है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें हैं जो कि आज की इस बैठक में जो है वो तमाम नेताओं के साथ बातचीत करते हुए विनोद तावड़े जो है वो नजर आएंगे। जी बिल्कुल विपिन, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और लगातार नजर बनाए हुए हैं विनोद तावड़े के दौरे को लेकर के। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द उठेंगे।